प्रेम शास्त्र कोई प्रेम सिखाने वाला शास्त्र नहीं है, बल्कि एक राइटर की जिंदगी है। एक ऐसे राइटर की जिंदगी जो अपनी नई कहानी के लिए प्लॉट ढूंढ रहा था, मगर यह भूल गया था कि उसकी अपनी जिंदगी भी एक प्लॉट है। खैर, वो तो प्लॉट ढूंढता रहा, मगर मैंने उसकी जिंदगी को लेकर फिल्म बना दी, प्रेम शास्त्र। ये है वो राइटर, प्रेम शास्त्र का हीरो सागर शर्मा। हो गया है मुझे, 7 दिन हो गए यहाँ आए हुए, अभी तक एक भी प्लॉट नहीं मिला कहानी का। हो जा रहा है मेरा प्लॉट। ये दोनों शायद भाई बहन हैं। क्या सपने देखते होंगे अपने फ्यूचर के बारे में? मगर ये तो बच्चे हैं, इन्होंने अभी सपने देखने शुरू ही कहाँ किए होंगे। इनके माँ बाप जरूर सपने देखते होंगे कि हमारा बेटा बड़ा होकर जज बनेगा। नहीं नहीं नहीं, एक देहाती अनपढ़ बाप इतनी दूर नहीं सोच सकता। तो फिर क्या सोचेगा? डॉक्टर बनेगा। हाँ, डॉक्टर ठीक है, अगर डॉक्टर हीरो होगा तो कहानी अच्छी बनेगी, मगर डॉक्टर हीरो कहाँ से होगा? सपने सच थोड़े होते हैं। दोनों 2 घंटे से यहाँ बैठे क्या बातें कर रहे होंगे? अपने फ्यूचर की, मैरिड लाइफ की। ये भी तो एक प्लॉट हो सकता है। यस, हो सकता है, ये भी अच्छा प्लॉट हो सकता है। रेत के महल नाम रखा जाए इसका, क्योंकि जो ये लोग अभी सोच रहे हैं और जो शादी के बाद सामने आएगा उसमें बहुत फर्क होगा। यही तो कहानी है। अगर तुम प्लॉट ढूंढ रहे हो या कुछ और क्या? मन की शांति। तुम मन की शांति ढूंढ रहे हो, सच्ची खुशी ढूंढ रहे हो। ये सब कुछ सच्चे प्यार में मिलता है जो तुम्हें नहीं मिला। चलो होटल चलते हैं, 2 पैक विस्की मारते हैं, कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा। वर्षा, बरखा लोग प्यार से कहते हैं। ये आपने लिखा है? जी। मैं कुछ एडिशन कर दूं? शौक से। प्यार की भेंट, प्यार के साथ बरखा को। प्यार की भेंट तो है, मगर प्यार बाकी रहा, फिर कभी ले लीजिएगा। भूलिएगा मत, मैं मांगने आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। बाय बाय। मिलाई तुम लोग सागर शर्मा से? यस मैडम, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। ओह मैडम, अच्छा नाइस मैन, एक्सीलेंट, सो स्मार्ट मैडम। बरखा कहाँ है? बरखा हमारे साथ ही तो थी, कहाँ है? लो वो आ गई। ओके बाय बाय। चलो हरी बरखा, तूने ऑटोग्राफ नहीं लिया? प्यार की भेंट, प्यार के साथ बरखा को सागर। बस के रहना बरखा, ये राइटर, पेंटर, म्यूजिशियन, एक्टर सब भवरे की तरह होते हैं और कली का रस चूसकर उड़ जाते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड एडवाइस। प्यार मिस बरखा जी, याद है आपने कहा था प्यार बाकी रहा, फिर कभी ले लीजिएगा। वही मांगने आई है। फिर कभी है। आपका प्यार जी। सागर का प्यार बरखा के नाम लिखकर भेज दूं? जी नहीं, मुझे लिखा हुआ प्यार नहीं चाहिए। तो क्या आपको बोलता हुआ प्यार चाहिए? जी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार। जी नहीं, लिखा हुआ नहीं, बोलता हुआ नहीं, मुझे खामोश प्यार चाहिए। दिल की धड़कन को तेज करने वाला, आंखों के रंग को। फिर कभी। मुझे जान दे, कल आने दे। गिन दो चार दिन इंतजार कर मुझे प्यार कर ना 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 जिद छोड़ दे सौ बार कर मुझे प्यार कर ना 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 इकरार कर ना 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 मुझे आज तो फुर्सत नहीं तब भी सही अजना ना ना मुझे प्यार कर ना 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 इकरार कर ना 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 ओ मुझे प्यार कर ना 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 Come in. सागर, अरे दीवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछले 15 मिनट से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार। होटल में 2-2 स्वीट ले रखे हैं क्या? हमेशा कोई ना कोई मिलने चला आता है, इसलिए दूसरा स्वीट लिखने पड़ने और खास लोगों के लिए। विस्की पियोगे? जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो खत्म कर लो, बाद में देखा जाएगा। Now don't tell me तुम मेरी तलाश में आए हो या मुझसे मिलने आए हो। कसम ले लो जो मुझे दूसरा कोई काम हो। सुबह की फ्लाइट से आया हूँ, शाम की फ्लाइट से चला जाऊँगा। खैरियत है? खैरियत नहीं, तुम्हारी किताब तन की ज्वाला ने तहलका मचा दिया। ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया। जो बिक नहीं रही है, एजेंट्स कॉपियां लौटा रहे हैं। बिक तो बहुत रही है, और जितनी ज्यादा बिक रही है उतना ही ज्यादा शोर मच रहा है। कौन शोर मचा रहा है? जितनी समाज सुधारक संस्थाएं हैं ना, सबने आसमान सर पर उठा रखा है। गवर्नमेंट पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम्हारी किताब को बैन कर दिया जाए। उनका कहना है कि माँ बेटी की शादी हमारा समाज कबूल नहीं कर सकता। इनमें 2-4 मशहूर राइटर्स भी हैं। इनमें वो सब लोग होंगे जिन्होंने अंधेरे में शराब पी है और उजाले में प्रोहिबिशन के लिए लड़े हैं। इन सब हिपोक्रेटों से डर गए तुम मिस्टर दीवान। अगर कोई 26 साल के लड़के का बाप पैसे के जोर पर या किसी और वजह से किसी 24 साल की लड़की से शादी कर लेता है, तो आज की जनरेशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो 24 साल की लड़की 26 साल के लड़के की माँ बन गई। रिश्ता वो जिसे दिल कबूल करे, जिसे दिमाग कबूल करे। कच्चे धागे में गांठें मारने से रिश्ते नहीं बन जाते। तुम कल ही वापस जाओ और एक अच्छा सा वकील फिक्स करो। अगर बैन ऑर्डर आया तो हम ये केस लड़ेंगे। तुम सरकार से केस लड़ोगे? सिर्फ सरकार से ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान से लड़ेंगे जो हमें लकीर का फकीर बनने पर मजबूर करता है। उसकी पिलाओ यार, कहाँ है उसकी? That's better, अभी लाया। अरे बरखा, तू अभी तक ऐसी बैठी है? बस कब से तैयार खड़ी है, चलना नहीं? तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों भला, तुम क्यों नहीं चलोगे? मुझे कहीं और जाना है, किसी से मिलने। हे, किससे? किसी पंछी के पर काट दिए क्या? सागर शर्मा। ओह माय गॉड, बच के रहना बरखा, इस पंछी के पर काटने पर भी फुर हो जाएगा। जिस पिंजरे का नाम मन है, उसमें कैद होने के बाद कैसे उड़ेगा? कौन जाने पिंजरा मन है या तन। पिंजरा तो मन ही है, तन तो द्वार है। ओह हाउ लकी यू आर बरखा। बरखा, द्वार अगर बंद कर दिया है तो खोलना मत। इस पंछी का कोई भरोसा नहीं। ओके बाय बाय बाय। कब तक क्या करते रहेंगे आप? जब तक दिमाग चलता रहेगा। दिमाग कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम सामने हो, पास हो। मेरा पास होना सिर्फ दिमाग पे असर करता है, दिल पर भी करेगा। Wait. 1 minute. Just 1 minute. जा रहे हैं आप? ये कैसा प्यार है? न वादे किए, न कसमें खाई, न कुछ फ्यूचर के प्लान बनाए। इसके बावजूद भी ये कुछ दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, जिंदगी भर याद रहेंगे। मुझे जन्म जन्म तक याद रहेंगे। तुम तो राइटर जैसी बातें करने लगी। राइटर के साथ रही हो ना कुछ दिन। तुम लोग कब जा रहे हो यहाँ से? कल शाम को। रेत की महल जब छप जाएगी तो मुझे भेजेंगे ना? और रोज एक खत लिखेंगे? लिखूंगा। मुझसे मिलने को दिल नहीं करेगा? बिछड़ने को दिल नहीं कर रहा है। अच्छा, आपकी जिंदगी में तो बहुत सी लड़कियां आई होंगी। आई हैं। आकर चली गई हैं? हाँ, आकर चली गई। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बरखा जी, मुझे भूल जाने की कोशिश करना। जब आपको चाहने की चाहत ने दिल में जन्म लिया था, सोचा था आपको पाकर खो दूंगी, भूल जाऊंगी, मगर आपकी बाहों में आकर बेबस हो गई हूँ। आपकी सांसों में मुझे अपनी जिंदगी का संगीत सुनाई दिया है। आपके सीने पर सर रखकर मुझे स्वर्ग का एहसास हुआ है। मैं नहीं भूल सकूंगी आपको। बरखा, मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ये प्यार सदा के लिए मेरा हो जाए। सागर साहब के साथ जो कुछ जाना वो जिंदगी भर के लिए काफी है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, ये तो देदास की छोटी बहन हो गई। चलो चलो और तुम्हें क्या हाल है? सामान ले रखो। ओके। पार्टी में गया, बोल के गया आने में टाइम लगेगा। अच्छा हाँ। अच्छा, थोड़ी कॉफी पिलाओ। चलो। आइए मैम साहब। मैम साहब, साहब ने डिस्टर्ब करने को मना किया है। माय फुट, मना किया है? एक वाइफ अगर रात के वक्त हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती तो शादी का फायदा क्या है? आई एम सॉरी मैडम। नॉनसेंस। I will file a divorce suit. मैं डिनर लगाऊं? To hell with your dinner. Get me a drink. Okay, madam. खो गई हूँ आपकी याद में, उलझ गई हूँ आपके ख्यालों में। संभालिए ना मुझे। हजारों मील दूर रहकर भी कितना पास रहते हैं आप। आंख बंद करती हूँ, आप सामने आ जाते हैं। आपके खतों को अगर किताब का रूप दे दिया जाए तो वही एक अच्छा खासा प्रेम शास्त्र बन जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, इन दिनों ऐसा होता ही है, चक्कर आना, उल्टियाँ होना, दिल घबराना, ये सब मामूली बातें हैं। आपकी बेटी माँ बनने वाली सागर साहब कहाँ हैं? भाई वो 2 महीने से अपनी नई किताब में ऐसा डूबा हुआ है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। ये मिसेस शर्मा वाकई बड़ी ग्लैमरस औरत है। हाँ यार, इतनी उम्र हो गई है लेकिन कम वक्त आज भी जवान नजर आती है। नीलू, तुम्हारा ट्रंक अरे यार सागर, तुम तो मुझे मरवा दोगे। तुमने कहा था 300 सफ़े होंगे, अभी तो 100 नहीं हुए। अरे भाई बिल्कुल क्लाइमेक्स पर हूँ, ठीक 2 दिन के बाद स्क्रिप्ट तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, ये आखिरी और पक्का वादा है। डीलर्स हाथ धो के मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, जल्दी मचा रहे हैं, मुझे उन्हें भेजना है। अच्छा देखता हूँ तुम्हारा आखिरी वादा, जब कभी भी आता हो तुम कुछ ना कुछ करके तरका देते हो। हेलो नीलू, हाउ आर यू डियर? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं दीवान साहब? अरे तुम्हारे इस ग्रेट राइडर के पीछे चक्कर काटते काटते मैं दुबला हो गया, मेरे जूते घिस घिस कर चप्पल बन गई। अब 2 दिन का वादा है, ये 40वां वादा है। हाँ, अच्छा बाय बाय, आओ बैठा, आओ ना। क्यों गई? आओ ना। ये हैं मशहूर राइटर सागर शर्मा, मेरे डियर डार्लिंग हस्बैंड। और सागर, ये है बरखा, मेरी छोटी बहन। ये 2 दिन से आई हुई है, यहाँ इसलिए नहीं लाई कि तुम्हारी किताब रेत के महल शायद खतरे में पड़ जाती है। तुम्हें शांति पसंद है और ये बड़ी नटखट है। कहाँ ठहराया इसे? होटल न्यू स्टार में 10-12 दिन ठहरेगी, फिर चली जाएगी। कल मेरी किताब खत्म हो जाएगी, फिर इसे यहीं ले आना। किताब खत्म होने वाला कल शायद मुश्किल से ही आता है ना। खैर देखेंगे, अभी तो मैं इसे बाहर घुमाने ले जा रही थी, सोचा तुमसे मिला दूं। No, don't accuse me of disturbing you. You were already out. क्या बात है बरखा, सागर से मिलकर एकदम खामोश क्यों हो गई? नहीं तो ऐसे ही है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वर्मा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मा आए। डॉक्टर साहब, हेलो, क्या हाल है? भाई सब ठीक है। कुछ लिख रहा है क्या? हाँ, ऐसे जरा। रियली वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यार नीलू अपनी बहन बरखा को लेकर मेरे पास आई। अच्छा? हाँ, बरखा प्रेग्नेंट है। क्या? तुम्हें पता? बरखा प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता है? नीलू उसका अबॉर्शन करवाना चाहती है। तुम मेरे दोस्त हो, बरखा तुम्हारी साली है। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ, रिस्की काम है। कब का फिक्स किया है अबॉर्शन? भाई पहले तो मैंने इनकार कर दिया था, तुम जानते हो मैं सब कुछ नहीं करता, लेकिन फिर मैंने सोचा नीलू शायद किसी दूसरे डॉक्टर के पास चली जाए, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। कल सुबह 10 बजे आएगी मेरे पास। तुम्हारे नर्सिंग होम में? यस। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह 10 बजे से पहले मिलता हूँ। ओके, अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय। तक मुंह मोड़े खड़ी रहोगी? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? धोखा? मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, क्यों नहीं बताया मुझे कि आप शादीशुदा हैं? बरखा किसी के साथ एक ही मकान में एक ही छत के नीचे रहने का मतलब शादी नहीं होता, और किसी से दूर रहकर भी इंसान एक ऐसे बंधन में बन जाता है जिसे शादी नाम का लफ्ज रिप्रेजेंट करता है। तुम बताओ, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी कि तुम माँ बनने वाली हो? यहाँ आकर तुम मुझसे क्यों नहीं मिली? नीलू से क्यों मिली? मैंने सोचा आप बेकार परेशान होंगे, इसलिए आपको बिना बताए कोशिश करती रही कि इससे जान छूट जाए, मगर जितने डॉक्टरों से मिली कोई इलीगल काम करने को तैयार नहीं था। सोचा यहाँ आकर करा लूंगी। जब यहाँ पहुंची तो स्वागत के लिए आपकी पत्नी स्टेशन पर ही मौजूद थी। फिर दोनों दिन रात के 12-1 बजे तक साथ रही, इसलिए ना मैं आपको फोन कर सकी और ना ही मिल सकी। मगर अच्छा ही हुआ मैं आपके घर आपसे मिलने नहीं आई, नहीं तो क्या होता? साली पर तो वैसे भी इंसान का हक होता है। सागर साहब, ये औरत मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है। बरखा, मुझे बताइए मैं क्या करूं? इसीलिए तुम्हें अबॉर्शन के लिए राजी हो गई हो? और क्या हो सकता है? क्या कहूंगी मैं दुनिया से कि मेरे बच्चे का बाप? डोंट बी स्टूपिड बरखा, मैं इस औरत को पिछले 13-14 बरस से जानता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम इसकी बेटी नहीं हो, तुम्हारी रगों में इसका खून नहीं है। अगर ये सच है कि बच्चों के अंदर माँ बाप का कुछ ना कुछ जरूर होता है, स्वभाव में, चाल चलन में, सूरत में, तो मैं सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम नीलू की बेटी नहीं हो। ये नहीं हो सकता, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। मगर मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरी एक बात मानोगी बरखा? खुदकुशी कर लो? नहीं, अबॉर्शन मत कराओ। सागर साहब? बरखा, जब तक मैं इस बात का पक्का पता नहीं लगा लेता कि तुम सचमुच नीलू की बेटी हो या नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है ना अपनी जिंदगी से खेलने का, ना पेट के बच्चे की जिंदगी से खेलने का। आपने शादी कैसे की थी इस औरत से? लव मैरिज है? जिन हालात में मैंने इस औरत से शादी की थी, तुम ना ही जानो तो अच्छा है। नहीं, मुझे बताइए, मेरी माँ के बारे में जो भी कुछ आप जानते हैं मैं सब जानना चाहती हूँ, प्लीज बताइए मुझे। शुरू में जब मैं नया राइटर बना था तो मुझे पार्टीज में जाने का बहुत शौक था। मैं उन पार्टियों का हीरो हुआ करता था, और चूंकि मैं पैसे वालों की क्लास में से था, हर रोज एक ना एक पार्टी रहती थी। इसी तरह की एक पार्टी में तो मेरे किस्से हो गए खत्म सारे, अब न कोई पुकारे, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। दोस्त तो मेरे किस्से हो गए अब न कोई पुकारे, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। जान ले वो दीवाना मैं नहीं, तेरे लब जो झूम ले वो तराना मैं नहीं। मैं हसीना जान ले वो दीवाना मैं नहीं, तेरे लब जो झूम ले वो तराना मैं नहीं, वो तराना मैं नहीं। किस लिए तेरी आंखें कर रही है इशारे, अब न कोई पुकारे, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा क्या है एक हंसी जिंदगी की फूल है, इश्क में है कुछ नशा ये मगर फजूल है। हुस्न क्या है एक हंसी जिंदगी की भूल है, इश्क में है कुछ नशा ये मगर फजूल है, ये मगर फजूल है। जिसने भी मोहब्बत मर गया गम के मारे, अब न कोई पुकारे, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। दोस्त तो मेरे किस्से हो गए खत्म सारे, अब न कोई पुकारे, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ। नीलू माय डियर, मुझे ये कहानी कल तक खत्म करके पब्लिशर को देनी है। माय डियर ग्रेट ऑथर, तुम्हारा छोटा सा किस्सा जो मेरे पेट में पल रहा है उसका क्या होगा? क्या मजाक कर रही हो? डर गए ना? इस मामले में सभी मर्द डरपोक होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। इससे पहले कि तुम ये मुझसे कहो कि मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो, अब प्लीज गेट आउट। मैं तुम्हें साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे को गिराऊंगी नहीं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं इस किस्से को अखबारों में दे दूंगी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर तुम्हारा कैरियर है जो अभी अभी शुरू हुआ है, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए माय डियर ग्रेट राइटर, तुम्हारा भला इसी में है कि तुम कल मेरे साथ रजिस्ट्रार के दफ्तर में चलकर मुझसे शादी करो। मगर वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा था ही नहीं तो होगा कहाँ से? ये तो बाद में पता चला कि मुझसे शादी करने के लिए उसने झूठ बोला था। मैं इनोसेंट था, उसकी चाल में फंस गया और आज तक फंसा हुआ। हम दोनों एक ही नागिन के डसे हुए हैं। मगर मेरा बाप कौन है? मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरी बीवी का शादी से पहले का कोई बच्चा है, तो उसके बाप का पता कैसे होगा? और तुम भी जानकर क्या करोगी? प्लीज पता लगाकर मुझे बताइए। मैं उस इंसान के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी कि मेरी माँ को इस आदमी के पास से वापस ले आओ, जो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम अबॉर्शन नहीं कराओगी। नहीं कराऊंगी। मगर आप करेंगे क्या अगर वो डिवोर्स के लिए राजी ना हुई? तो मैं कुछ भी करूँगा। अगर वो डिवोर्स के लिए राजी ना हुई तो भी मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, और अगर ना मिला तो मैं उसका मर्डर करके तुमसे शादी करूँगा, अगर तुम साथ दो तो। साथ? सागर साहब, दासी, नौकरानी, बीबी, जो भी जगह मुझे आपके जीवन में मिलेगी मैं उसे खुशी से कबूल कर लूंगी। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी माँ जैसी माँ नहीं हूँ। मेरे पेट में सचमुच आपका बच्चा है। मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि जिस प्यार की मुझे बचपन से तलाश है वो नीलू की बाहों में नहीं, बरखा की आंखों में। प्लीज फाइंड आउट हू माई फादर इज। आई विल। व्हाट अ सरप्राइज। कम इन माय डार्लिंग। आज इतनी रात को मेरी याद कैसे आ गई? हैव अ ड्रिंक। मेरा आखिरी जाम है, तुम पहला ही पी लो मेरे साथ। मैं शराब पीने नहीं आया हूँ। देन लेट्स गो टू बेड। बिस्तर और शराब के अलावा और भी कोई रीजन हो सकता है मेरे यहाँ आने का? मान क्यों नहीं लेते दैट यू आर नो मोर मैन। यू शट अप। आज पहली दफा तुमने मर्दों जैसी बात की है। आई एम सो हैप्पी। नीलू, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ, कुछ कहने आया हूँ। इत्मीनान से बैठ के मुझे जवाब दो, और अगर हल्ला करोगी तो उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। सागर, या तो तुमने अपने कोटे से ज्यादा पी रखी है या फिर कोई औरत तुम्हारी जिंदगी में आई है जिसने तुम्हें बहुत इंस्पायर किया है। मगर याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Sit down. सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता, उम्र भी सही होनी चाहिए। तुम्हारी उम्र अब चेहरे पर नजर आने लगी है, हाथ की नसों पर नजर आने लगी है। इसे ना तो मेकअप और विग से छिपा सकती हो, ना ही बेटी को बहन बनाकर इंट्रोड्यूस करवाने से छिपा सकती हो। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, सुनोगी तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, शायद इसीलिए तुमसे अपनी बेटी का मां बनना बर्दाश्त नहीं हुआ। कल सुबह 10 बजे तुमने उसका अबॉर्शन फिक्स किया है। माय गॉड, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बरखा उस आदमी का नाम बताने को तैयार नहीं जिसका ये बच्चा है। मैं जानता हूं उसका नाम। क्या? Yes, my dear. कौन है वो? सब्र से काम लो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तुमने मुझे चीट किया था ना, धोखा दिया था ना मुझे, झूठ बोल करके तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुमने मुझसे शादी की। आज कुदरत ने उसी चीटिंग का बदला तुमसे लिया है। सागर, तुम? मैं बरखा के बच्चे का बाप मैं हूँ, और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उसने अबॉर्शन का इरादा बदल दिया है। ये बच्चा पैदा होगा नीलू, मेरा बच्चा, तुम्हारे पेट से नहीं, बरखा के पेट से। तुम झूठ बोल रहे हो सागर, ये नहीं हो सकता। सच जब बहुत कड़वा होता है तो इंसान अपने आप को वरीब देने के लिए यही कहता है कि यह झूठ है। ये तो मुझे कहना था, पूछना भी बाकी है। बरखा का बाप कौन है? होकर अब तक तुम हंस रहे थे, अब मेरी बारी है। जानना चाहते हो बरखा का बाप कौन है? माय डियर डार्लिंग, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। कौन है बरखा का बाप? बरखा का बाप तुम्हारा बाप भी हो सकता है। चिल्लाओ मत, मैंने कहा हो सकता है, ये तो नहीं कहा कि है। सागर, जब तुम्हें पता चलेगा कि बरखा का बाप कौन है तो तुम नाक रगड़ोगे, मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाओगे कि नीलू बरखा का एबॉर्शन करा दो। क्योंकि जब इस प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा तो जमाना तुम पर ठोकेगा। वेट, आई शैल शो यू। होता है तो इंसान अपने आप को फरेब देने के लिए यही कहता है कि ये झूठ। मेरा क्या रिश्ता है आपसे? एक रिश्ते से मैं आपकी बीवी हूँ, एक रिश्ते से मैं आपकी भतीजी हूँ और एक रिश्ते से... नहीं बरखा, ऐसा नहीं है। खून के रिश्ते में खून बोलता है। अगर तुम्हारी रगों में मेरे बड़े भाई का खून होता तो उसे बोलना चाहिए था। तुम्हें देखकर मुझे ये महसूस होना चाहिए था कि तुम्हारी भतीजी हो या बहन हो या, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ यही लगता है कि तुम्हारी प्रेमिका हो या बिलविड हो। वो तो अनजाने में था, अब सब कुछ जानकर भी वही महसूस होता है जो अनजाने में होता था। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये सब झूठ है। मैं कल ही जाता हूँ मनाली बड़े भाई से मिलने, सारी बात साफ हो जाएगी। मैं भी साथ चलूंगी, मुझे अब अकेले बहुत डर लगता है। हाँ, तुम भी साथ चलना। लेकिन अगर ये सच निकला, बाकी आपके बड़े भाई साहब मेरे पिता हुए तो क्या हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर किसी नदी या समंदर में कूद पड़ेंगे? गिल्ड की जिंदगी से तुम्हारा अच्छी है। मगर हमारा दोष क्या है? हमारा दोष नहीं है, हमारे खून का दोष है। उसे बोलना चाहिए था कि हम चाचा भतीजे हैं, लेकिन बोला नहीं और उसकी खामोशी की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर मरना पड़ा तो सचमुच अब मेरा साथ देंगे? अब तो फैसला कर लिया है कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। मिसेस शर्मा, मिस बरखा ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है तो कहाँ गई? जी ये तो मुझे पता नहीं। बाहर गई है या होटल छोड़कर चली गई? होटल छोड़कर गई है। कब? आज सुबह करीब 7 बजे। किसके साथ? जी साथ तो कोई नहीं था। आई सी, बिल वो दे गई है। मिस्टर दीवान, आइए आइए मिसेस शर्मा, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। मैं 1 मिनट में ये प्रूफ चेक करके आपसे बात करता हूँ। दीवान साहब, सागर कहाँ है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो खुद उसकी तलाश में हूँ। इसका मतलब है वो भाग गया। भाग गया? कहाँ भाग गया? काश मुझे पता होता। वो मेरी जवान बेटी को लेके भागा है दीवान साहब। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस शर्मा? सच कह रही हूँ। क्या आप सॉलिसिटर बोस का फोन नंबर देंगे? ओह श्योर। भैया, अरे सागर, आफ्टर एजेस हमारी याद कैसे आ गई? भैया ये बरखा है और मेरे बड़े भाई। जीती रहो बेटी, जीती रहो। पिछले 12 साल में तुम्हें 6 खत लिखे, 3 टेलीफोन किए और आज पहली मर्तबा शकल दिखाई। कहने को ये मेरा छोटा भाई है। भैया आप तो जानती हैं। आओ अंदर आओ। भैया ये बरखा नीलू की लड़की है। नीलू? ओह, यू मीन तुम्हारी बीवी की? लेकिन मैं इसका बाप नहीं। नीलू के मुझसे शादी करने के करीब 8 साल पहले ये पैदा हुई, मगर मुझे इसकी पैदाइश का कोई इल्म नहीं था। नीलू ने मुझे ये कभी नहीं बताया कि मुझसे शादी करने से पहले का भी इसका कोई बच्चा है। इसी लाइल्मी में मेरी और बरखा की मुलाकात हुई और हम एक दूसरे को चाहने लगे। और आज ये चाहते कि ऐसे मोड़ पर है कि हमने फैसला किया है कि जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। तुम्हारा मतलब है जो औरत तुम्हारी बीवी है उसकी बेटी से तुम प्यार करते हो? जी। डोंट यू थिंक ये मॉरल से गिरी हुई बात होगी? समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें इमोरल क्या है भैया? प्यार करना, शादी करना या कैसी बीवी को तलाक देना जिसके साथ शादीशुदा जिंदगी का एक लम्हा भी सुकून से ना गुजरा हो, ये सब ठीक है, मगर बीवी की बेटी से शादी करना। भैया फर्ज करो मेरे और बरखा के ये पता चलने से पहले कि बरखा नीलू की बेटी है, नीलू मर जाती है और मैं बरखा से शादी कर लेता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलता। एवरीथिंग इज फाइन। यस, एवरीथिंग इज फाइन। मगर पता लगने के बाद? पता लगने के बाद क्या बदल जाता है? रिश्ता बदल जाता है सागर। तुम उस लड़की के बाप बन जाते हो जिससे तुम शादी करने जा रहे हो। कैसे भैया? मुझ में और बरखा में 12 साल का फर्क है और मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई आदमी 12 साल की उम्र में बाप बन गया हो। बच्चों की तरह बातें मत करो सागर। आई मीन टू से तुम इस लड़की की माँ के पति तो हो। हूँ। आप जानना चाहेंगे हम कैसे पति पत्नी हैं? जब हम दोनों एक दूसरे से फेड अप हो चुके हैं तो एक साथ रहने का मकसद क्या है? अलग होने का भी मकसद क्या है? क्या तुम्हें कोई ऐसी मिल गई है जिससे तुम मुझे डाउस देकर शादी करना चाहते हो? अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन ढूंढ लूंगा। तो फिर क्या तुम आजादी चाहते हो? आजादी की जरूरत शायद मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मुझे जो आजादी चाहिए वो तुम्हारे साथ बंधे रहने में ही है, तुमसे अलग होकर नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी बीवी रहकर बहुत कुछ कर सकती हूँ जो शायद डाइवोर्स के बाद ना कर सकूं। और तुम भी मेरे पति होने का सर्टिफिकेट लिए। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि लीगली एक दूसरे के साथ बंधे रहने में जो आजादी है वो इस बंधन को तोड़कर मिलने वाली आजादी से ज्यादा अच्छी है? बहुत अच्छी है। देखो सागर, जब तक मैं और तुम दोनों किसी और से हमेशा के लिए नहीं बनना चाहते तब तक हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं नहीं सोचती तुम क्या करते हो और मैं भी ना सोचूं कि तुम क्या करती हो। Is that a bargain? Arrangement. इसके बावजूद ये बहुत सी एसोसिएशंस की प्रेसिडेंट है और सोसाइटी में बहुत इज्जत है उसकी। वो मुझसे नफरत करती है, मैं उससे नफरत करता हूँ, फिर भी हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। ऊपर से बहुत खुश और सुखी नजर आते हैं और हो सकता है कुछ लोग हमारी शादीशुदा जिंदगी की मिसाल भी देते होंगे, मगर ये सब क्या है? फरेब है, मॉरल है। मुझे मालूम नहीं था बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहता। तुमको जो अच्छा लगता है वही करो। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। मगर इससे भी सीरियस एक और प्रॉब्लम है भैया, जिसके लिए हम आपके पास आए। आप कभी नीलू से मिले? ये 1951 में मिस इंडिया थी ना? थी। मैं जानता हूं इसे, क्योंकि मैंने इस कंटेस्ट में एक्टिव पार्ट लिया था। इस औरत का कहना है भैया कि आप बरखा के बाप। बोलते क्यों नहीं भैया? बताइए ना कि आप बरखा के बाप हैं। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। सोचता हूं सागर से झूठ बोल दूं। उससे क्या होगा? कम से कम वो अपनी बीवी की बेटी से शादी तो नहीं करेगा। और अगर कुछ और कर लिया तो? और क्या हो सकता है? दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और ये जानकर कि तुम बरखा के पिता हो, प्रायश्चित करने के लिए जान दे दे। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें क्या करना है? जो सच है वो बता दो। सागर बच्चा थोड़े ही है, जो ठीक समझेगा करेगा। जरा मेरी पुरानी एड्रेसेस वाली डायरी तो देना। सागर, मिस इंडिया बनने की खातिर ये औरत 3 महापुरुषों के साथ 4-4, 5-5 रातें रही थी। ये बच्ची जब पेट में थी उसने उन तीनों को ब्लैकमेल किया। करीब 1-1 लाख करके 3 लाख इकट्ठा किया। उसके बाद सुनने में आया था उसने तीनों में से किसी एक से शादी भी की थी। अब घबराओ नहीं, मैं उन तीनों में से एक नहीं हूँ। ये उनके नाम और पते हैं। थैंक यू भैया। मशहूर हो गया, जान गए सब, पहचान गए सब, देखो जान गए सब, पहचान गए सब। प्यार हमारा मंजूर हो गया, मान गए सब, पहचान गए सब, वो देखो मान गए सब, पहचान गए सब। दिल भी झूम रहे हैं, बाहों में बाहें डालते हम रास्तों पे घूम रहे हैं, हम रास्तों पे घूम रहे हैं। वक्त नशे में चूर हो गया, जान गए सब, पहचान गए सब, देखो जान गए सब, पहचान गए सब। अपना दिल दीवाना है, अपना दिल दीवाना, इश्क बड़ा मगरूर हो गया, जान गए सब, पहचान गए सब, वो देखो मान गए सब, पहचान गए सब। नाम हमारा मशहूर हो गया, पहचान गए सब, वो देखो मान गए सब, पहचान गए सब। अगर लड़की मैच्योर है और उसकी उम्र 21 साल है, तब तो कोई कानून उसे रोक नहीं सकता शादी करने से। आपका मतलब है मेरा हस्बैंड मेरी बेटी से शादी कर लेगा और उससे कोई कानून रोक नहीं सकता? जब तक मिस्टर सागर आपके हस्बैंड हैं, ये शादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो शादियां अलाउड नहीं हैं। और मेरा ख्याल है सबसे बेहतर तरीका तो यही है शादी को रोकने का कि आप मिस्टर सागर को तलाक मत दीजिए। उससे क्या होगा, वो उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रख लेगा, और इसके खिलाफ भी तो कोई कानून नहीं है। कानून तो है, लेकिन अगर लड़की राजी है तो कानून कुछ भी नहीं कर सकता। लड़की तो राजी है ही, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि लड़की की मर्जी होते हुए भी शादी को रोका जा सके? कानून तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, लोग रिवोल्ट कर सकते हैं इस रिश्ते के खिलाफ, उनके मुंह पर थूक सकते हैं, पत्थर मार सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं, लेकिन कानून कुछ नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वो दोनों चाहेंगे तो कानून उन्हें प्रोटेक्शन भी देगा। तो फिर ओके मिस्टर बॉस, थैंक यू वेरी मच। फिर कभी मुझे आपकी जरूरत हुई तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगी। थैंक यू वेरी मच। दिल में। देखो सागर, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है। ये क्यों नहीं अब तक? आगे जो कुछ करना चाहती हो सब कर लो। मैं डाइवोर्स सूट फाइल करने जा रहा हूँ, बरखा से शादी करूंगा और तुम किसी भी तरह शादी करो सको तुम। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बरखा का बाप मेरा भाई नहीं है, बल्कि उन 3 महापुरुषों में से कोई एक है जिनके साथ मिस इंडिया बनने के लिए तुमने कुछ रातें गुजारी थी। पब्लिशर्स के एग्रीमेंट हैं, ले आया। मिली? हाँ मिली। क्या कहती है? कहती तो बात कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं सकेगी। कहती है कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी, मुझे अरेस्ट करवाएगी। तुम क्या सोचने लगी? आपकी जिंदगी में आकर मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। बरखा, तुम मेरी जिंदगी में मुसीबत नहीं मोहब्बत बन के आई हो। वो मोहब्बत जो आज मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। ये स्कैंडल बन गया तो आपके करियर का सत्यानाश हो जाएगा। करियर फिर बन जाएगा बरखा, दूसरी नहीं मिलेगी। इतनी भाग दौड़ की मगर ये पता फिर भी नहीं चला कि मेरा तुम्हारा बाप कौन है। बरखा, कम से कम तुम्हें इतना तो पता है कि इस मुल्क के 3 महापुरुषों में से कोई एक तुम्हारा बाप है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ इतने पता होगा कि इस मुल्क के 30 करोड़ में से कोई उनका एक बाप है। तसल्ली देना खूब आता है आपको। घबराओ नहीं, हम बहुत जल्द उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने तुम्हें पाला है। वो जरूर जानते होंगे तुम्हारा बाप कौन है। और अगर उन लोगों से पता नहीं चला तो हम उन 3 महापुरुषों से भी मिलेंगे जिनका एड्रेस भैया ने मुझे दिया है। मेरी भी क्या जिंदगी है। बाप को बाप कहने को जी नहीं चाहता, माँ को माँ कहने को जी नहीं चाहता। बेटी बन के क्यों सोचती हो? इंसान बन के सोचो, सिर्फ इंसान। इंसान बनकर सोचती हूँ तो सिर्फ आप नजर आते हैं और कोई दिखाई नहीं देता। सिर्फ मैं हूँ और है कौन? आओ। नमस्ते नीलमा देवी। नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, बैठो। हाँ बैठिए ना। ललन, तुम क्या क्या कर सकते हो? जी, किसके लिए? पैसे के लिए। ओ, चोरी चकारी दंगा फसाद मारपीट से लेकर मर्डर तक। किसके कितने दाम हैं? अजी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दाम हैं, मगर आपसे जरूर रियायत करूंगा। फरमाइए क्या बात है? अगर मुझे कुछ क्राउड चाहिए हो तो, यानी कुछ औरतें मर्द बच्चे। कितने चाहिए आप? 200, 500, 1000, 5000, 10000। देखिए ये बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं ना, ये मैं ही सप्लाई करता हूँ। सिनेमा में कोई हुटिंग करवानी हो, किसी बड़े लीडर की मीटिंग में कोई गड़बड़ फसाद दंगा, ये सब भी करवा ही लेता हूँ। अच्छा तो ललन तुम अब जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगी और मैं हाजिर हो जाऊंगा। नमस्ते। यही मकान है जी? तुम यहीं ठहरो। अरे बेटी बरखा, तू यहाँ कब आई? अभी अभी। चाचा जी, ये सागर शर्मा बहुत बड़े लेखक हैं और ये है हमारी सुंदर चाचा जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आप यहीं के हैं? जी हाँ, यहाँ से 10 कदम पर मेरी कुटिया है। आइए कुछ जलपान कीजिए, उसके बाद। हाँ, ये लोग तो बंबई गए हैं। बरखा के माता पिता? अजी काहे के माता पिता, किसी के औलाद को पाल लेने से सब मालूम है चाचा जी। मुझे सब कुछ मालूम है बेटी। इस इलाके में कौन कब सोता है कब जागता है, मुझे सब कुछ मालूम है। बरखा के बारे में और इसको पालने वाले इसके माता पिता के बारे में जो कुछ भी आपको मालूम है आप मुझे बताएंगे? जरूर बताऊंगा, मगर क्या आप इसकी जीवनी लिखना चाहते हैं? यही समझ लीजिए। अच्छी बात है, सब कुछ बताऊंगा, मगर इसमें एक शर्त है। क्या? पहले आप मेरी कुटिया पर आइए, जलपान कीजिए। चलिए भी चाचा जी, यहाँ खड़े खड़े जलपान थोड़ी होगा। ठीक कहा बेटी, ठीक कहा। आइए आइए ना, आइए। मैं आप लोगों को 1000 रुपया महीना सिर्फ बरखा को पालने के लिए नहीं देती थी। आपको उसकी देखभाल भी तो करनी चाहिए थी। वो कहाँ जाती है, क्या करती है? कॉलेज में जाके बच्चे आजाद हो ही जाते हैं नीलू देवी, और खास करके उन कॉलेजेस में जहाँ को एजुकेशन हो। जवान लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हों। और फिर दूसरे की औलाद को हाथ पांव बांधकर रखा थोड़े जा सकता है। हाँ। ये बात नहीं है जी, मगर कब क्या होता है उसका पता तो चलना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसका पता अगर ठीक वक्त पर चल जाता तो आज इतनी बड़ी समस्या तो खड़ी ना होती। आपकी बेटी आपको मिल गई, अब हमें छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक बरखा का फैसला नहीं होगा। तुम लोग यहीं रहोगे। जब केस कोर्ट में जाएगा तुम लोगों की गवाही की जरूरत पड़ेगी। दीवान, ये उन तीन महापुरुषों के पते हैं जिन्होंने 20-22 साल पहले नीलिमा को मिस इंडिया बनाया था। क्या छापा है इनके बारे में? छापना कुछ नहीं है, सिर्फ इन्हें यहाँ बुलाना है। कैसे कैसे बुलाना ये तुम सोचो, लेकिन बुलाना जरूर है। मैंने इन तीनों के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं वो कुछ इस तरह हैं। मिस्टर अरोरा एक डिग्निफाइड आदमी हैं, मगर बहुत ही लालची और डरपोक किस्म के। मिस्टर चौधरी खामोश तबीयत के हैं, एक रीजनेबली शरीफ इंसान हैं। और मिस्टर मल्होत्रा एक नंबर का याश, यानी कि पक्का औरतबाज है। आई सी, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इन तीनों को बुलाने का बंदोबस्त करता हूँ। जल्दी करना है। थैंक यू। यू नो, ये आईने, ये मुझे बिल्कुल पसंद है। क्यों सर? साले सच बोलते हैं। इसका मतलब है सच बोलने वाले इंसान भी आपको पसंद नहीं आएंगे। सच बोलने वाले इंसान कहाँ है? मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं। जब तुम मेरी बाहों में आकर कहती हो डार्लिंग आई लव यू, वो क्या सच होता है? या जब धुमकी में मैं किसी लड़की से कहता हूँ तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की हो, वो क्या सच होता है? या जब लीडर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर सामाजिक समानता की बात करता है तो वो क्या सच होता है? वो तो पहले ही दूसरों से ज्यादा ऊंचाई पे खड़ा है। You have one more marriage, sir. One more marriage? With you or without you? With me and also without me. One with you, one without you. Yes. Marvelous, marvelous. Sir, एक बड़ा अजीब और गरीब invitation आया है आपके नाम से, ये देखिए। देखें, what is अजीब and who is गरीब in it? आइए आइए आइए, जरूर आइए जरूर आइए जरूर आइए। ये तो किसी सर्कस का इश्तार लगता है। जाना चाहिए। आपके चरण कमलों की धूली, आपके कर कमलों का स्पर्श और आपके मुखार बिंद से निकली मधुर वाणी, ये कौन सी भाषा है भाई? मधुर वाणी की हम कामना करते हैं और आपको वचन देते हैं। ये कार्ड है, ये किताब है। वचन देते हैं कि यदि आप इस उत्सव पर पधारें, जो कि हमें विश्वास है आप जरूर पधारेंगे, तो हम आपकी आयु के 20 साल कम कर देंगे। दीवान फॉर दीवान पब्लिकेशंस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस 20 साल कम कर देंगे। क्या ख्याल है? सर, आपको जरूर जाना चाहिए। हिम्मत को सर, आपको जाना ही चाहिए। सर, आपकी उम्र के अगर 20 साल कम हो जाए तो आप मुझसे शादी करेंगे ना? डार्लिंग, अगर मेरी उम्र के 20 साल कम हो जाए तो मैं तुमसे तो क्या, तुम्हारी बेटी से भी शादी करूंगा। आइए, पधारिए। कार्यक्रम आरंभ होने में तनिक विलम्ब है। ये राष्ट्रभाषा तो हो गई, अब कुछ जनता भाषा में बोलिए, समझ तो आए। अच्छा अच्छा, बैठिए। आओ भाई। वाह वाह, ये मकान है या ताजमहल का छोटा भाई। नॉनसेंस है। बिल्कुल नॉनसेंस नहीं है साहब, प्लेन के रिटर्न टिकट देकर बुलवाया है, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवाई हैं, 20-22 साल पुरानी याद ताज़ा करवाई जा रही है। इस नॉनसेंस में भी कुछ तो सेंस जरूर है। आई फुल्ली एग्री विथ यू मिस्टर मल्होत्रा। ये सब मुझे तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है। आप भी कमाल कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि किसी को क्या हक है कि हमारी प्राइवेट जिंदगी, हमारे प्राइवेट मामलात में दखल दे। आखिर किसी का क्या मकसद हो सकता है हम सबको इस तरह यहाँ बुलाने का? आप सबको नंगा करना। नहीं, नंगा करने से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपके कपड़े उतारूंगा, मैं आपके चेहरे से इज्जत की नकाब उतारूंगा, जो इस समाज के अंधे होने का सबूत है, हिपोक्रेसी की मिसाल है। मैं आपकी पीठ से शराफत की वो मोहर बिठा दूंगा जो आपने पैसे के जोर पर लगवा रखी है। मैं आपको ठीक 22 साल पीछे ले जाऊंगा, जबकि आपने कोई ऐसा काम किया था जिसे समाज बुरा कहता है और जिसे छुपा रखने के लिए आपने शायद 1-1 लाख रुपया की मदद की थी। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपको याद है कि आज से 22 साल पहले जब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होने में 15-20 दिन बाकी थे, एक रात जब आप एक लड़की के साथ अपने बेडरूम में शराब पी रहे थे? मिस्टर चौधरी, आप तो शायद पहला ही पैक बना रहे थे, जबकि सोए हुए थे जब नीलिमा ने आपके कमरे में दाखिल होकर फूलों की बारिश कर दी थी। के हिसाब से आप लोगों का कोई दोष नहीं। नहीं, मैंने आप लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए यहां बुलाया है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये लड़की जिसके वजूद का कारण नीलू की वो रातें हैं जो उसने आप लोगों के साथ गुजारी थी, इसका बाप कौन है? हम में से कोई इस लड़की का बात नहीं। मिस्टर अरोरा, ये लड़की आसमान से नहीं टपकी है, जमीन से भी नहीं उगी है। जरा गौर से इसके चेहरे को देखिए, इसे पहचानिए, इसके बारे में सोचिए। ये इसके फ्यूचर का सवाल है। देखिए मिस्टर, मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूं। हाँ, कहिए। तो आइए। साहब जी, आपने दूसरों की बीवियों के बारे में तो जांच पड़ताल करवा ली, अब अगर कभी अपनी बीवी के बारे में जांच पड़ताल करवाने की जरूरत पड़े तो बंदे को जरूर याद फरमाइए, मैं अपने खर्चे पे हाजिर हो जाऊँ। थैंक यू। तो सुनिए जी, मैंने अभी तक शादी नहीं की, तो अपने बारे में जांच पड़ताल करवा लीजिए ना। अच्छा, मानता हूँ नीलू तुम्हारा भी जवाब नहीं, जो आज से 20 साल पहले था आज भी बिल्कुल वही। शराब और शबाब दोनों अपनी जगह कायम है। थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, आपकी फ्लैटरी की आदत गई नहीं। ये बताइए कि 20 साल के बाद आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? नीलू, 20 साल पहले की हुई करतूतों का हिसाब मुझसे आज मांगा जा रहा है। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि अगर तुम्हें सागर से ही शादी करनी थी तो कहीं और भी थे, आखिर क्या वजह थी कि तुमने उस हरफरे राइटर को वो जगह दी जिसके लिए आधा हिंदुस्तान पागल था? नाम, काम या दाम? नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आप तो जानते हैं, नाम तो मैंने काम का सहारा लेकर कमा ही लिया था और फिर दाम भी वसूल कर लिए थे। लाख रुपए तो आप ही ने दिए थे, भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ नीलू, मैं उन ऐशों में से नहीं हूँ जो ऐशों की कीमत सोसाइटी के डर से अदा करते। मैं उन ऐशों में से हूँ जो ऐशों की कीमत अपने दिल से अदा करते। मैं एक अच्छा ऐश हूँ, मगर जो कीमत मैंने तुम्हें अदा की थी वो काफ़ी नहीं थी। मैं आज तुम्हें कुछ और भी देने आया हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें नंगा करना चाहता है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने तुम्हारी रंगीन रातों के बारे में छानबीन शुरू कर दी है और उस छानबीन में तुम्हारी बेटी भी उसके साथ है। क्या? मैं उन दोनों को देख लूंगी। उसने उन 4 महापुरुषों में से 3 को बुलाया था जो तुम्हें मिस इंडिया बनाने के जिम्मेदार थे, ये जानने के लिए कि तुम्हारी बेटी का बाप कौन है। जो चीज तुम्हें भी नहीं मालूम वो जानना चाहता है। मैं उसे जान से मार डालूंगी। एक बात और भी याद रखना नीलू, तुम जैसी औरत के लिए पति की नजरों से गिरकर जीना तो शायद मुश्किल नहीं होगा, मगर औलाद की नजरों से गिरकर एक माँ के लिए जीना शायद बहुत मुश्किल होगा। मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगी। दोनों को? औरत को समझना मुझ जैसे अय्याश की अकल से भी बाहर है। बताया तो था मैंने तुम्हें उसका एड्रेस। सागर साहब के सिवा किसी के साथ कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ बरखा। तुमने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए मैं तुम्हें माँ कहूँ या समझूँ? इसने ऐसा क्या किया है कि तुम इसे अपना सब कुछ समझने लगी हो? इन्होंने मेरे लिए वही किया है जो नजर आंखों के लिए करती है, धड़कन दिल के लिए करती है। सागर, इससे कह दो कि मेरे साथ चली चले, वरना। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस इंसान से सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। अच्छी तरह सोच लो बरखा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगी। मैं पहले इसे मारूंगी ताकि इसका तड़प तड़प के मरना तुम अपनी आंखों से देख सको। हमें अलग करने के लिए धमकी से काम नहीं चलेगा नीलू, तुम्हें सचमुच गोली चलानी पड़ेगी। और इतनी हिम्मत तुम्हें है नहीं, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमें मारकर बाकी की उम्र तुम्हें जेल में बितानी पड़ेगी। और जेल तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होगी, क्योंकि तुम जो शादी जैसे पवित्र बंधन को न निभा सकी, जेल कैसे काटोगी? सागर, मैं तुम दोनों को मारकर अपने आप को गोली मार लूंगी, लेकिन तुम्हें एक नहीं होने दूंगी। सागर, आगे मत बढ़ो। बरखा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे साथ चली चलो। तुम्हारे साथ जाने से या तुम्हें माँ कहने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। क्या जादू कर दिया है इस पर सागर तुमने? इसका बर्ताव मेरे जादू का असर नहीं है नीलू, बल्कि इस बात का सबूत है कि इसकी रगों में तुम्हारा खून नहीं है। राइटर हो ना, बात को घुमाना खूब आता है तुम्हें। फैसला कर लो, दो में से किसे त्यागना चाहते हो, बरखा को या अपनी जिंदगी को? मेरी जिंदगी ही तो बरखा है नीलू, और वो तुम्हारे नहीं मेरे हाथ में है। तुम तो बेबस हो, मजबूर हो। न मौत तुम्हारे हाथ में है, न जिंदगी तुम्हारे बस में है। मैं बरखा को लेकर हिम्मत हो तो गोली चला देना। आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे खाली रिवॉल्वर दिया, और मैं ये समझती रही कि इसमें गोलियां हैं। मिसेस शर्मा, मैं आपका वकील हूँ, आपका भला बुरा देखना मेरा फर्ज है। अगर इस रिवॉल्वर में गोलियां होती तो आप इस वक्त तक पुलिस लॉकअप में होती, मैं जहन्नुम में होती। लेकिन वो दोनों तो इस दुनिया में ना होते, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। आप उन्हें भले ही मत छोड़िए, लेकिन अपने आप को तो मत फंसाइए। ललन, तुम अभी जाओ, रुपया जितना भी खर्चा, आदमी जितने भी लगे, मैं उन दोनों की लाशें देखना चाहती हूँ। खैरो ललन, मिसेस शर्मा आप जरा शांत हो जाइए। लेकिन मिस्टर बॉस, प्लीज इस कदर जोश में आना ठीक नहीं। वो पति पत्नी जिन्होंने बरखा को पाला था वो कहाँ है? यही है। क्यों, क्या वो आपका साथ देंगे? उनको तो मैंने खरीदा हुआ है मिस्टर बोस, वो वही करेंगे जो मैं चाहूंगी, वही बोलेंगे जो मैं कहूंगी। तो फिर इस खून खराबे की जरूरत नहीं। हम मिस्टर सागर पर बरखा को किडनैप करने के जुर्म में केस कर सकते हैं। ये केस कोर्ट में होगा तो उसके लिए डाइवोर्स हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ललन तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर बुलवा लूंगी। श्रीमती नीलिमा शर्मा और श्री सागर शर्मा के इस केस के हियरिंग का आज चौथा दिन है। श्रीमती नीलिमा शर्मा की तरफ के तमाम गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, एविडेंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब श्री सागर शर्मा की बारी है, वो अपनी सफाई की कार्रवाई शुरू करें। योर ऑनर, मेरा कोई वकील नहीं है, इसलिए मैं खुद अपने आप को डिफेंड करने की इजाजत चाहता हूँ। ऐसा क्यों? आप तो दुनिया के किसी भी वकील को अपॉइंट करने की पोजीशन में है। आपने ठीक कहा योर ऑनर, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे डिफेंड करने के लिए खुद मुझसे अच्छा कोई वकील नहीं है। दूसरे, मेरा केस इतना सीधा और सच्चाई पर आधारित है कि उसमें शब्दों के किसी हेर फेर या कानून की किसी कलाबाजी की जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि सच्चाई को जितने साधारण तरीके से पेश किया जाए उतना ही अच्छा है। एनी ऑब्जेक्शन मिस्टर बोस? नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑल राइट मिस्टर सागर, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, मुझ पर इल्जाम है कि मैंने मिसेस नीलिमा शर्मा की माइनर लड़की को किडनैप यानी कि अगवा किया है। मिसेस नीलिमा शर्मा चूंकि अपने आप को मेरी पत्नी कहती हैं, इसलिए इल्जाम समाज और कानून दोनों की नजर में बड़ा संगीन बन जाता है। इसमें एक भी बात सच नहीं है योर ऑनर। ना तो ये लड़की बरखा माइनर है, ना नीलिमा मेरी पत्नी है, और ना ही बरखा नीलिमा की बेटी है। मिस्टर सागर, आपकी बात को सही मानने के लिए सबूत चाहिए योर ऑनर। सबूत है, मेरी हर बात का सबूत मेरे पास है। मैं अपने सबसे पहले गवाह मिस्टर एंथनी डिसूजा को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। गवाह को पेश किया जाए। श्री एंथनी डिसूजा हाजिर हो। श्री एंथनी डिसूजा हाजिर हो। मेरे साथ इस पर हाथ रखकर कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर एंथनी, आज से 15-20 साल पहले आप क्या करते थे? जी, मैं मैरिज रजिस्ट्रार था। नीलिमा देवी, आप जहां बैठी हैं वहीं पर खड़ी हो जाने की जहमत कीजिएगा। मिसेस नीलिमा शर्मा, आप थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाइए। मिस्टर एंथनी, इन देवी जी को जरा गौर से देख लीजिए। देख लिया मिस्टर सागर? आप बैठ सकती हैं मिसेस शर्मा। हाँ तो मिस्टर एंथनी जरा ठीक से सोच के बताइए कि आज से पहले आपने इस औरत को कब और कहाँ देखा? आज से करीब 22 साल पहले की बात है। मुझे एक मकान में शादी करने के लिए बुलाया गया। बड़ी खूबसूरत जोड़ी थी, मैं तो बस देखता ही रह गया। शादी की रस्म खत्म होने के बाद भी वहां से आने को जी नहीं चाह रहा था। अच्छा मिस्टर एंथनी, जिस इंसान की शादी नीलिमा के साथ आपके सामने हुई थी, क्या उसे भी आप इतनी आसानी से पहचान सकेंगे जितनी आसानी से आपने नीलिमा को पहचाना? जी नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्या बताऊं सागर साहब, 22 साल पहले मैं जवान था और इनकी शादी से पहले मुझे पता चल चुका था कि उस साल की मिस इंडिया है। बस मैं इन्हीं को देखता रहा। ऑर्डर। थैंक यू मिस्टर एंथनी, दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर एंथनी, कल दोपहर को आपने क्या खाया था? जी याद नहीं। ताज्जुब की बात है, कल दोपहर को आपने क्या खाया था आपको याद नहीं, लेकिन 22 साल पहले आपने किसकी शादी करवाई थी वो आपको याद है? क्या बताओ वकील साहब, औरत और रोटी में यही तो फर्क है। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर राजन अरोरा। नाम बताया? राजन अरोरा। मिस्टर अरोरा, आप नीलिमा को जानते हैं? जी हाँ, नीलिमा को शायद मैं ही जानता हूं। क्या मतलब? नीलिमा मेरी बीवी है। आज से 22 साल पहले हमारी शादी हुई थी, सिविल मैरिज। हाँ तो मिस्टर अरोरा, नीलिमा आपकी पत्नी है? जी हाँ। और 22 साल पहले आपकी शादी हुई? जी हाँ। डिवोर्स कब हुआ? जी, मेरा मतलब है कि तलाक कब हुआ? तलाक तो दूर की बात है, हम में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी तकरार तक नहीं हुई। क्या मतलब कि आप लोग आज भी पति पत्नी हैं? जी हाँ। आज से 15-16 साल पहले मेरी बीवी मेरी बेटी बरखा को साथ लेकर घर से चली गई। उसके बाद न मैंने इसे तलाश किया और न ये वापस आई। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप लोग आज भी पति पत्नी हैं? जी हाँ। आप शादी का सर्टिफिकेट लाएं? जी हाँ, प्लीज। योर ऑनर, हिंदू लॉ के हिसाब से जिस रोज मिसेस नीलिमा अरोरा ने मिस्टर अरोरा का घर छोड़ा था, उस रोज से लेकर आज तक ना तो वो किसी दूसरे इंसान की पत्नी बन सकती हैं और ना ही मिस्टर अरोरा किसी दूसरी औरत की पत्नी। लिहाजा उनका क्लेम कि वो मेरी पत्नी है फेक है, बेबुनियाद है, गैर कानूनी है। थैंक यू मिस्टर अरोरा, दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अरोरा, क्या इस मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास इस शादी का कोई और सबूत है? किसी भी शादी को साबित करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा क्या किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती है? मैंने ये तो नहीं कहा कि जरूरत पड़ती है, मैंने पूछा है क्या आपके पास कोई और सबूत है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अगर मेरे मुआजिज दोस्त और उनकी क्लाइंट सर्टिफिकेट के अलावा इस शादी का कोई और सबूत चाहते हैं तो बेटर है कि चाहत का कारण बता दें so that the witness can answer the question a little more clearly. I think it's a good suggestion, Mr. Bose. Thank you, Your Honor. Mr. Arora, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि बहुत दफा ऐसा हुआ है, होता है कि एक ही शक्ल के दो इंसान जिनके नाम भी एक ही हो, नाम तो बदला जा सकता है लेकिन शक्ल नहीं बदली जा सकती। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर्टिफिकेट के अलावा क्या और कोई सबूत है आपके पास इस बात का कि यही वो नीलिमा देवी है जो आपकी पत्नी है? जी, सबूत मेरे पास बहुत है, आखिर ये मेरी बीवी है। योर ऑनर, मैं पहले बयान दे चुका हूं कि 22 साल पहले हमारी सिविल मैरिज हुई थी। अगर इन्हें इस सर्टिफिकेट पे एतबार नहीं है तो ये कोर्ट के रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके अलावा मैं नीलिमा देवी के चंद एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताता हूं। उनकी पीठ पे दाएं तरफ 3 काले तिल हैं जो एक लाइन में। That's all, Your Honor. I object, Your Honor. गवाह का यह दावा कि नीलिमा देवी की पीठ पर दाएं तरफ लाइन से 3 काले तिल हैं, नीलिमा देवी की तरफ से छुटलाया जाना चाहिए, नहीं तो कबूल किया जाना चाहिए। Yes, Your Honor, मेरी पीठ पे 3 काले तिल हैं, मगर इसके साथ मेरे पास एक मैरिज सर्टिफिकेट भी है जिसमें मैं मिस्टर अरोरा की नहीं बल्कि मिस्टर सागर की पत्नी हूँ। और मैं ये भी बड़ी आसानी से बता सकती हूँ कि मिस्टर सागर के जिस्म पर कहाँ कितने तिल हैं। Order, please, order. योर ऑनर, झगड़ा ये नहीं है कि कौन नीलिमा देवी का पति है, झगड़ा ये है कि कानूनी तौर पर नीलिमा देवी किसकी पत्नी है, और इस बात का फैसला सर्टिफिकेट की तारीख देकर किया जा सकता है। पहले की तारीख वाली शादी लीगल है, कानूनी है, बाद की तारीख वाली शादी इलीगल है, गैर कानूनी है, लिहाजा उसे शादी कहा या माना नहीं जा सकता। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो दूसरा इंसान जिसको चीट करके नीलिमा देवी ने शादी की थी वो इन पर धोखाधड़ी का केस करता है या नहीं करता है। मिस्टर सागर, अदालत को उन बातों से कोई सरोकार नहीं जिनका ताल्लुक इस केस से नहीं है। नाउ प्रोसीड विद योर केस। योर ऑनर, इस केस का पहला हिस्सा यानी कि मैं नीलिमा देवी का पति हूँ गलत साबित हो चुका है। दूसरा हिस्सा कि मैंने नीलिमा देवी की बेटी बरखा को, जिसे नाबालिग कहा गया है, किडनैप किया है। अब मैं ये साबित करूंगा कि मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है और ये लड़की बरखा जो मेरे पास रहती है नाबालिग नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए मैं मिस्टर बोस के गवाह सज्जन भारद्वाज को बुलाना चाहता हूँ। श्री सज्जन भारद्वाज हाजिर हो, श्री सज्जन भारद्वाज हाजिर हो। सज्जन साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पहाड़ी इलाके का। उस इलाके का कुछ तो नाम होगा। महादेवपुर। आप महादेवपुर में कब से रहते हैं? बाप दादों के जमाने से। आप नीलिमा देवी को जानते हैं? जी हाँ। कैसे? आज से कोई 15-16 बरस पहले इन्होंने अपनी बेटी हमको पालने के लिए दी थी। क्या आप अदालत को जरा डिटेल में बताएंगे कि आज से 15 या 16 साल पहले जब नीलिमा देवी ने अपनी बेटी पालने के लिए आपके हवाले की थी तो आपसे क्या कहा था? जी हाँ, जरूर बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, 15-16 बरस पहले एक दिन। ये मेरी बेटी है, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। तुम लोग इसे माँ बाप बनकर पालोगे। जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती इसको सब कुछ सबसे अच्छा मिलना चाहिए। खाना, कपड़ा, पढ़ाई, जितना खर्च होगा मैं दूंगी। हर महीने की पहली तारीख को तुम्हें 1000 रुपए मिल जाया करेंगी। हर महीने की पहली तारीख को आपको 1000 रुपए मिलता रहा। जी हाँ, कब तक? जब तक बरखा हम लोगों के साथ रही। और बरखा कब तक आप लोगों के पास थी? जब तक आप उसे चुरा कर नहीं ले गए। आई से मिस्टर सज्जन, क्या नीलिमा देवी की बेटी बरखा इस वक्त अदालत में मौजूद है? हर इंसान को गौर से देख कर जरा सोच के बताइएगा आपने सच बोलने की कसम खाई है। जिसे हमने पाला है। मिस्टर सज्जन, मैंने आपसे यह नहीं कहा था कि जिसे आपने पाला है उसकी तरफ इशारा कीजिए या उसके बारे में बताइए। मैंने आपसे यह कहा था कि नीलिमा देवी की बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हुजूर, यही तो है नीलिमा देवी की बेटी बरखा जिसको हमने पाला है। हाँ, क्यों? क्या यह नहीं हो सकता कि नीलिमा देवी की बेटी बरखा और वो बरखा जिसे आपने पाला है दो अलग अलग लड़कियां हों? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तो गवाह को कंफ्यूज करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बट अच्छा मिस्टर सज्जन, जिस बरखा को आपने पाला है उसकी बचपन की तस्वीर आपको दिखाऊं तो क्या आप उसे पहचान सकेंगे? हुजूर, जिसको अपने हाथों से अपनी बेटी की तरह पाला है उसे क्यों नहीं पहचान सकूंगा हुजूर। मैं इस आदमी की याददाश्त की दाद देता हूं योर ऑनर, इसने सही पहचाना। यह तस्वीर इस तस्वीर से एनलार्ज करके बनाई गई है। मुझे इनसे और भी बहुत कुछ पूछना है, लेकिन इस स्टेज पर मैं इस विटनेस को विड्रॉ करके एक दूसरी विटनेस को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। प्लीज प्रोसीड। मिसेस लाजवंती वर्मा। श्रीमती लाजवंती वर्मा हाजिर हो। श्रीमती लाजवंती वर्मा हाजिर हो। मेरे साथ इस पर हाथ रखकर कहिए, मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस वर्मा, आप क्या करती हैं? अनाथाश्रम चलाती हूँ। कहाँ? महादेवपुर में। महादेवपुर, जहाँ के सज्जन साहब हैं? जी हाँ। आप सज्जन साहब और उनकी पत्नी को अच्छी तरह जानती हैं? जी हाँ। कैसे? एक ही इलाके के रहने वाले हैं, इसलिए जान पहचान हो ही जाती है। ये जान पहचान एक ही इलाके में रहने की वजह से है या कोई और भी वजह है इसकी? हाँ, और भी एक वजह है। ये दूसरी वजह क्या है? आप अदालत को जरा डिटेल में बताएंगी? जी हाँ। आज से करीब 15-16 साल पहले ये दोनों पति पत्नी एक दिन मेरे आश्रम में आए, एक बच्ची को गोद लेने। यही वजह है मेरी इनकी जान पहचान की। मिसेस वर्मा, ये बच्ची जो आज से 15 या 16 साल पहले मिस्टर और मिसेस सज्जन भारद्वाज ने आपके आश्रम से अडॉप्ट की थी, उसकी उम्र क्या रही होगी उस वक्त? यही कोई 5-6 साल। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, नीलिमा देवी की बेटी बरखा की भी उम्र यही थी। अच्छा मिसेस वर्मा, उस बच्ची का नाम क्या था? सुमन। थैंक यू मिसेस वर्मा। योर ऑनर, मैं मिस्टर सज्जन को दोबारा विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मिस्टर सज्जन, क्या आप अभी ये कहना चाहते हैं कि नीलिमा देवी की बेटी बरखा और वो बरखा जिसे आपने पाला है, दोनों एक ही हैं? जी हाँ। तो फिर इस बात का क्या जवाब है आपके पास कि वो लड़की जिसका असली नाम सुमन था और जिसको आपने अडॉप्ट किया था, कहाँ चली गई? जी वो तो बड़ी हो गई, हमने उसकी शादी कर दी। मतलब यह कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि आज से 15 या 16 साल पहले आपने मिसेस वर्मा के आश्रम से सुमन नाम की लड़की को अडॉप्ट किया था? किया था जी। और जिसको पाल पोस कर आपने शादी कर दी। वेरी गुड। मिस्टर सज्जन, क्या आप पूरे महादेवपुर से किसी एक इंसान को लाकर इस अदालत में खड़ा कर सकते हैं जो कसम खाकर ये कह सके कि उसने पिछले 15 या 16 बरस में आपके घर में कभी भी एक साथ 2 बच्चियों को देखा था? जवाब दीजिए मिस्टर सज्जन। खामोश क्यों है? जब आपको मेरा ही विश्वास नहीं तो आप किसी दूसरे का क्या विश्वास करेंगे? आप में हिम्मत नहीं है मिस्टर सज्जन, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके घर में कभी भी 2 बच्चियां नहीं थी, क्योंकि जिस रोज नीलिमा देवी अपनी बेटी बरखा को आपके हवाले करके गई थी, उसके ठीक 7 महीने और 10 दिन के बाद बरखा अचानक स्कूल से गायब हो गई थी। कुछ पता चला? अच्छा, स्कूल वाले कहते हैं सारा दिन स्कूल थी और हमेशा की तरह छुट्टी होने पर गई। तो फिर घर क्यों नहीं आई? कहाँ चली गई? उसकी सहेलियों के यहाँ देखा आपने? सबके यहाँ चक्कर मार के आया, कहीं कुछ पता नहीं चला। आपने उसे तलाश करने की पूरी कोशिश की मगर वो आपको नहीं मिली। आपने पुलिस और नीलिमा देवी को इसलिए खबर नहीं दी कि पता लगने के बाद 1000 रुपया महीना आना बंद हो जाएगा। 1000 रुपये महीना की आमदनी कहीं बंद ना हो जाए, इसके लिए आपने मिसेस वर्मा के आश्रम से सुमन नाम की लड़की को अडॉप्ट किया और उसका नाम बरखा रख दिया। क्या ये सच नहीं है कि ये बरखा जो मेरी बगल में बैठी है, नीलिमा देवी के पैसे से पली जरूर है मगर उसकी बेटी नहीं है? क्या ये सच नहीं है मिस्टर सज्जन? बोलिए, जवाब दीजिए। सच। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं मिस्टर सागर और मिस्टर सज्जन की इस मनगढ़ंत कहानी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अगर यह बरखा नीलिमा देवी की बेटी नहीं है तो नीलिमा देवी की बेटी कहां है, कौन है? योर ऑनर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर सागर ने अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए नीलिमा देवी की असली बेटी को कहीं गायब करवा दिया हो? शुक्र है मेरे मोजिज दोस्त असली और नकली की पॉसिबिलिटी को तुम माने। योर ऑनर, अब मैं अदालत को ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगा। नीलिमा और मिस्टर अरोरा की बेटी बरखा को मिस्टर अरोरा स्कूल से चुरा कर ले गए थे योर ऑनर, और वो इस वक्त मिस्टर अरोरा की बगल में बैठी है। Your Honor, and thank you, sir. दोनों तरफ के गवाहों के बयानात सुनने और उन पर गौर करने के बाद मिस्टर सागर शर्मा, अदालत आपको इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती।